सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके एंड्रॉइड डिवाइस में जो है बैटरी फुल चार्ज अलार्म नोटिफिकेशन को कैसे इनेबल करते हैं, हम जो इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो जब भी आप अपने फ़ोन को चार्ज लगाते हैं तो चार्ज लगाने के बाद जो है दोस्तों, अगर आपकी बैटरी फुल होती है तो उस समय आपको आपके फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन या फिर अलार्म देखने को नहीं मिलता है। तो इसको इनेबल करने के लिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप सैमसंग का फ़ोन यूज़ करें तो वहाँ पे आपको जो है बिल्ट इन ही ऑप्शन मिल जाएगा बैटरी फुल नोटिफिकेशन को इनेबल करने के लिए। अगर आप कोई दूसरा डिवाइस यूज़ करें तो आपको एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जस्ट प्ले स्टोर ओपन कीजिए, यहाँ पे सर्च कीजिए फुल बैटरी चार्ज अलार्म, ठीक है। ये एप्लीकेशन को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद जो भी इसके नेसेसरी परमिशंस रहते हैं वो आपको इनेबल करना है। जब उसके बाद आपको इसका सिंबल सा यूज़र इंटरफेस दिखाई देगा तो जस्ट यहाँ पे आपको जो है इनेबल अलार्म पे जो है टैप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ओके पे टैप कीजिए। अब आपका जो ऐप है रेडी है। जब भी आप अपने फ़ोन को चार्ज लगाएंगे, चार्ज लगाने के बाद ये बैटरी जो है 100% हो जाएगी तो वहाँ पे आपको जो है इस तरह का एक अलार्म नोटिफिकेशन जो है आपके स्क्रीन पे मिल जाएगा। अलार्म का साउंड भी प्ले होगा और आपको जो नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा कि आपकी बैटरी 100% फुल होने के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से इजीली आप भी आप अपने फ़ोन में जो है बैटरी फुल नोटिफिकेशन को जो है इनेबल कर सकते हैं। तो बस उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, स्टूडियो में बताने के लिए इजी सा शॉर्ट सा सिंपल सा वीडियो है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।